अब हम पढ़ते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेदों पर जो टिप्पणियां टीकाएं लिखी हैं, इन्हें ही ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम बात करते हैं तो सभी वेद के दो दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के दो हैं, ऐतरीय कौशिकीय, यजुर्वेद के दो हैं, सतपथ तैतरीय, सामवेद के दो हैं, पंचविश और सर्वेश, जबकि अथर्ववेद का सिर्फ एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, वह है गोपद। हम इनको याद कैसे करेंगे? अक्सर प्रश्न में आ ही जाते हैं। इसको याद करने का तरीका यह है, ट्रैक बनाएंगे। कोशिश, कोशिश एक लड़की का नाम है। ट्रैक है इतरा गई कोशिश। इतरा मतलब घमंड में है, भाव खा रही है लड़की, घमंडी है लड़की। ऋग्वेद में इतरा गई कोशिश, हम फिर से पढ़ेंगे, इतरा गई कोशिश। कोशिश एक लड़की है जो इतरा गई, घमंड में आ गई है, अपने दोस्त से बात भी नहीं कर रही है। इसको याद करेंगे हम और हमें आसानी से याद हो जाएगा। अब हम अगला पढ़ेंगे, यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक सतपथ एक है तैतरीय। सत का मतलब हम जानते, सत एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है सौ, और तैतरीय भी एक संस्कृत वर्ड है, तैतीस। इसको लेट करेंगे हम तैतीस से। शुक्ल में सत है, कृष्ण में तैतीस। यजुर्वेद हम लेट करेंगे, शुक्ल में सत सा और सा, सेंटी को सा दोनों में ही आए हैं। शुक्ल में सत है, कृष्ण में तैतीस है। सा और सा रिलेट हो गए तो सौ हो गया। हमने एक याद कर लिया, दूसरा ऑटोमेटिक जो तैतरीय है वो कृष्ण में ही आएगा, समझ रहे हो? जब शुक्ल में सेंटिक वाला सा है और सतपथ में सेंटी वाला सा है, यानी कि सत हो गया शुक्ल से। अब बाकी जो हमने याद नहीं किया, हम आएगा कि तैतरीय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो हम बता देंगे कृष्ण यजुर्वेद का, क्योंकि शुक्ल का सतपथ है, बाकी जो छूट गया है कृष्ण है, कृष्ण का तैतरीय ब्राह्मण है, हो गया खत्म। और हम अगले सामवेद की बात करते हैं। सामवेद में दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक पंचविश एक सर्वेश, संस्कृत में लिखा है, जिसका अर्थ हम जानते हैं। पंच को हम लेट करेंगे पांच से, विश को हम लेट करेंगे जहर। संस्कृत शब्द है पंच, पंच का अर्थ हिंदी में पांच होता है, सड़ सड़ का अर्थ छह होता है, छह। विश को हम इससे भी लेट करेंगे जहर से, सिर्फ याद करने के लिए है। अब ये ट्रिक से पढ़िए, पांच विश हैं या छह विश हैं, पी जाएंगे सोम। सामवेद को लेट करेंगे सोम से, सोम मतलब शंकर जी, शंकर जी ने जहर पिया था सभी लोग जानते हैं। यदि पांच विश होंगे तब भी शंकर जी पी जाएंगे, अगर छह विश होंगे तब भी शंकर जी पी जाएंगे, सोम पी जाएंगे। सोम को लेट करेंगे हम सामवेद से, याद हो जाएगा। आप दो तीन बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। अब हम बात करते हैं गोपथ, जो कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, सिर्फ एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है। इसको कैसे याद करेंगे? गोपथ, गो माने गाय होती है हमारे यहाँ, आप लोग जानते हो, और पथ माने रास्ता होता है, तो गौ का रास्ता अथर्ववेद में है। आप लोग, हमने आपको बताया ही है, अथर्ववेद में लौकिक चीजों को बताया गया है, भौतिक चीजों को बताया गया है। गाय के रास्ते के बारे में बताया गया है, दैट्स ऑल, गाय के रास्ते के बारे में बताया गया है, तो हम इसको याद कर सकते। गौ का रास्ता किस ग्रंथ में बताया है? अथर्ववेद में बताया है।